मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुछ असामाजिक तत्वों ने देर रात विद्यालय परिसर में दीवारों पर आपत्तिजनक बातें लिखकर सनसनी फैला दी। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के बानगर गांव का है, जहां पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने विद्यालय की दीवारों पर आपत्तिजनक बातें लिखकर सबको अचंभे में डाल दिया। सुबह सवेरे स्टाफ के विद्यालय पहुंचने पर इस घटना की जानकारी हुई, जिसके चलते विद्यालय के अध्यापकों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दीवारों पर लिखी हुई आपत्तिजनक बातों को मिटवाकर अपनी जांच शुरू कर दी है। तो वहीं विद्यालय स्टाफ के मुताबिक विद्यालय में पहले भी शरारती तत्वों ने कई बार तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया, जिसके चलते विद्यालय में ही कहीं बाहर आपत्तिजनक सामग्रियां भी पड़ी मिली। इसके चलते ये जाहिर होता है कि कुछ शरारती तत्व विद्यालय परिसर में आकर शराब का सेवन भी करते हैं। विद्यालय के अध्यापक संदीप शर्मा ने बताया कि आज जैसे ही स्टाफ स्कूल में आया तो देखा कि जो फुलवाड़ी विद्यालय में लगा रखी है वो टूटी हुई थी और विद्यालय की जो दीवारें हैं उस पर अश्लील बातें लिखी थी, जो कि बिल्कुल अशोभनीय थी। जिसके बाद ग्राम प्रधान को बुलाकर विद्यालय के स्टाफ के द्वारा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। इससे पहले भी स्कूल में चीजों को तोड़ना, पेड़ों को तोड़ना जैसी हरकतें होती रही हैं। कुछ शरारती तत्व यहां पर शराब का सेवन भी करते हैं, जिनकी खाली बोतलें विद्यालय परिसर में पड़ी हुई मिलती हैं। विद्यालय जब तक खुलता है तब तक तो कोई आता नहीं है, और इस तरह की हरकतें कौन करता है, कौन यहाँ पर आता है, अभी तक इसका कुछ भी नहीं पता। ये बहुत ही अशोभनीय है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि आज कोतवाली क्षेत्र स्थित एक विद्यालय की सूचना आई थी कि कुछ असामाजिक तत्वों ने विद्यालय की दीवारों पर कुछ अपशब्द लिखे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने विद्यालय में जाकर सबसे पहले उन शब्दों को मिटाया, उसके बाद मामले की जाँच शुरू कर दी। जो भी इस मामले में सम्मिलित पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। आज थाना कोतवाली क्षेत्र में रोहाना क्षेत्र के एक विद्यालय की सूचना आई थी, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने विद्यालय की दीवार पर कुछ अपशब्द लिख दिए थे। सूचना मिलते ही तत्काल थाना पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची थी और अपशब्द वगैरह जो भी लिखे हुए थे उनको मिटाया गया। अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है, इसमें कौन असामाजिक तत्व संलिप्त है और इसकी जानकारी होगी उन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी सर, आपका संदीप शर्मा। कौन से सर? ये उच्च प्राथमिक विद्यालय बाननगर विकास क्षेत्र चरथावल में आज जैसे ही विद्यालय जैसे ही स्टाफ स्कूल में आया तो देखा कि फुलवाड़ी जो हमने लगा रखी है वो टूटी हुई है। लैटिन कुछ शरारती तत्वों ने यहाँ पे की हुई थी और विद्यालय का जो बरेंडा है उसमें बड़ी ही अश्लील बातें अश्लील शब्द उसमें लिखे हुए थे, जो कि बिल्कुल असहनीय थे। तो तभी ग्राम प्रधान को बुलाया गया और जो इंचार्ज अध्यापिका है मैडम नगमा परवीन, उनके द्वारा और समस्त स्टाफ के द्वारा इन्हें अवगत कराया गया और एक्चुअल पोजीशन क्या थी वो दिखवाई गई। इससे पहले भी जैसे टंकी है बच्चों के हाथ धोने के लिए, टंकी को तोड़ना, पेड़ जो हमने लगाए हुए हैं उन्हें बीच में से तोड़ के जाना, इस तरह की हरकतें कुछ शरारती तत्व यहाँ तक की भी जाते हैं कि यहाँ शराब की बोतलें और वो भी पड़ा हुआ मिलता है, जिसे हमने पीछे उठवा के अपना जो हमारे यहाँ यशवीर है फोर्थ क्लास में वो सब डलवाए और आज फिर गांव पर ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह के द्वारा जो है चौकी प्रभारी को इससे अवगत करा दिया गया और उस पर जो है वो उन्होंने आश्वासन दिया कि वो कार्रवाई करेंगे। कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें शिक्षा के मंदिर में करते? देखो सर, चूंकि विद्यालय जब तक खुलता है तब तक तो कोई नहीं आता, उसके बाद में फिर इधर ही कुछ शरारती तत्व है सर, उसमें हम चिन्हित तो नहीं कर सकते ना, हमें उसके बारे में पता है, लेकिन हमने जो कोतवाल साहब हैं उन्हें उससे अवगत करा दिया है। मंदिर भी है स्कूल के अंदर इस तरह की? जी जी। क्या कहना चाहो? सर ये तो बहुत ही अशोभनीय है और किसी भी स्तर पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इसकी सूचना पुलिस को दी है? हाँ, दे दी गई है सर, ग्राम प्रधान और इंचार्ज अध्यापिका समस्त स्टाफ के द्वारा कोतवाल साहब को इससे अवगत करा दिया गया है और बाकी उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई कोई भी जो है शरारती तत्व विद्यालय प्रांगण में नहीं मिलेगा। तो आज किस तरह का नुकसान आप बता रहे टंकी में तोड़? सर सबसे बड़ी बात तो है, देखिए हमारे यहाँ चूंकि लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, मैडम लेडी स्टाफ भी है, इस तरह की अश्लील बातें लिखा होना अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक है और इस तरह जो फुलवारी बनाई हुई है वहाँ पर भी लैटिन की हुई है, ये बहुत ही अशोभनीय है और बिल्कुल कतई अनबियरेबल है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।